अनसंग हीरो थी हमारे भारत के लिए। चलिए मुन्ना भाई, एक ऐसा किरदार है जो दर्शाती है कि हाउसवाइफ क्या क्या कर सकती है जब उसके परिवार पे कोई चीज आती है। तो आज अगर हम भारत देश में आजादी से घूम पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका एक महत्वपूर्ण उसका एक हिस्सा रहा है। मुझे ऐसे स्ट्रांग वुमेन ओरिएंटेड कैरेक्टर्स करने में मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत एम्पावर्ड लगता है, मुझे लगता है ऐसी चीजें मैं करना चाहती हूँ फ्यूचर में भी। तो कैरेक्टर ऐसा है कि जो शायद हर भारतीय नारी को दर्शाता है, एक स्ट्रांग कैरेक्टर जिन्होंने अपने हस्बैंड का बहुत साथ दिया हर चीज में, जहाँ पर उन जो जब वहाँ नहीं भी थे फिजिकली प्रेजेंट, उनके हस्बैंड जब कहीं काला पानी में थे और उसके बाद भी वो यहाँ पर हर चीज के लिए फाइट कर रही थी। और वो एक्चुअली यमुना भाई एक ऐसा किरदार है जो दर्शाती है कि हाउसवाइफ क्या क्या कर सकती है जब उसके परिवार पे कोई चीज आती है। तो दैट्स माय कैरेक्टर। आपने बहुत सारे रोल पहले भी किए ग्लैमरस रोल करने में, जब इस तरह का इतिहास को टच करने वाला कैरेक्टर, क्या सीखने मिलता है आपको पूरा हिस्ट्री सावरकर जी के बारे में, पहले क्या जानते थे और अब कितना? आई थिंक जब आप कोई भी हिस्टोरिकल फिल्म करते हो तो आप ऑफकोर्स मैंने हमेशा वीर सावरकर जी की बातें पढ़ी हैं, सुनी हैं, लेकिन इतना डिटेल में कभी पता नहीं था, स्पेशली यमुना बाई के बारे में मैंने कभी इतना डिटेल में उनको जानती नहीं थी। लेकिन जब आप ऐसे किरदार करते हो आप उनकी पूरी जर्नी समझते हो कि वो कैसी रही हैं, कैसा उनका किरदार रहा है, आज कितने सारे सैक्रिफाइसेस उन्होंने किए हैं। आज अगर हम भारत देश में आजादी से घूम पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका एक महत्वपूर्ण उसका एक हिस्सा रहा है। तो ये सारी चीजें और यमुना बाई का ऐसा किरदार रही है जिन्होंने अपने हस्बैंड के लिए विदाउट इवन सेइंग ऐसी बहुत सारी चीजें की हैं कि वो एक अनसंग हीरो थी हमारे भारत के लिए। आज अपने शायद उनके हस्बैंड जो थे वो एक बैटल लड़ रहे थे काला पानी की सजा में, और एक वो थी जो बाहर रहकर अपने परिवार के लिए एक लॉयल्टी, एक कमिटमेंट, एक जिम्मेदारी की तरह उस चीज को निभा रही थी। हमारी फिल्म में एक सीन है जिसमें उनके बच्चे की डेथ हो जाती है, बहुत यंग बेटा उनका चला जाता है और वीर सावरकर कोई बात पता भी नहीं होती है, और जिस तरीके से उन्होंने उस चीज को फाइट किया अकेले, हैट्स ऑफ टू हर। क्योंकि आजकल की जनरेशन हम शायद ये सारी चीजें कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। कमिटमेंट बहुत बड़ी चीज होती है। आज हम रिश्ते भी हमारे 2-3 महीने अगर हम किसी के टच में नहीं हम भूल जाते, लेकिन वो इतने सालों तक उस चीज को रखना, कमिटेड रखना, उस चीज को लॉयल्टी से निभाना, अपने परिवार के लिए खड़े होना, वो एक अच्छे घर से बिलोंग करती थी, बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, उसके बाद भी उन्होंने हमेशा उस चीज को सावरकर जी को साथ देना हर चीज में, जिस तरीके से पेट्रियोटिज्म उनके अंदर था, शायद वीर सावरकर में तो वो चीज थी ही थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं यमुना बाई के अंदर भी थी। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप इसे किरदार प्ले करते हो, आपको अच्छी फीलिंग आती है कि आप एक ऐसे फिल्म का हिस्सा हो जो बहुत बड़ी है, तो इट फील्स ग्रेट। कैसा आपको लगा रणदीप इसमें डायरेक्टर की भूमिका में भी हैं, एक्टिंग भी कर रहे हैं, क्या आपको लगा कि अनकंफर्ट होता है कोई एक्टर के साथ डायरेक्शन सेम? बिल्कुल भी नहीं, मुझे लगता है रणदीप के साथ काम करके मुझे बहुत कंफर्टेबल लगा। मुझे ऐसा लगा कि रणदीप जब डायरेक्ट कर रहे थे तो वो खुद कहीं ना कहीं एक वीर सावरकर ही थे, क्योंकि वो इतना डेडिकेटेड थे, वो इतने डेडिकेशन के साथ जब उन्होंने कहानी पूरी लिखी है, आज उनके किरदार के बारे में इतने अच्छे से डेप्थ में पता थी, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्प थी रणदीप का डायरेक्ट करना, क्योंकि रणदीप को हर कैरेक्टर के बारे में बहुत अच्छे से डिटेलिंग पता थी। तो जब मैं यमुना बाई भी कर रही थी तो शायद रणदीप का एक बहुत बड़ा हाथ होगा, अगर मैं इस फिल्म में कुछ थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगी तो शायद रणदीप की डिटेलिंग्स बहुत स्ट्रांग रही है इस फिल्म के लिए। तो रणदीप हैज रियली हेल्प मी अ लॉट। पहले कैसे आपको इस फिल्म के लिए अप्रोच किया गया और क्या मोटिवेशन था आपको जो हाँ करने के लिए इस रोल के लिए? मेरी जो फ्रेंड है संदीप सिंह, ये उनकी प्रोड्यूस बाय संदीप है, तो वो लेकर ही आए थे मेरे पास फिल्म, और ही वॉज वेरी कीन कि मैं ये कैरेक्टर करना चाहिए हूँ। तो जब मैंने समझा चीजों को, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मुझे ऐसा लगता है मैं कहीं ना कहीं मुझे ऐसे स्ट्रांग वुमेन ओरिएंटेड कैरेक्टर्स करने में बहुत मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत एम्पावर्ड लगता है, मुझे लगता है ऐसी चीजें मैं करना चाहती हूँ फ्यूचर में भी। तो मुझे देर लगी नहीं ये चीज को हाँ कहने के लिए, क्योंकि ऑफकोर्स जब फिल्म इतनी बड़ी है, नाम इतना बड़ा है वीर सावरकर जी का, और उनकी वाइफ का अगर कैरेक्टर मुझे मिलेगा पोर्ट्रे करने के लिए, तो मेरे को ज्यादा टाइम तो ना तो कहना ही नहीं था, लेकिन हाँ मैं तुरंत हाँ बोल चुकी थी उस चीज। जब सावरकर को कोई माफी वीर कहता है या कुछ, अब आपने जर्नी पढ़ी, स्टडी की एज ए यमुना बाई,
आपको दुख होता है उस चीज का कि कैसे उनको पोर्ट्रे किया जाता है हमारे कंट्री में? मुझे ऐसा लगता है वो नेशनल हीरो है, थे और रहेंगे. लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उनके जो काम हमारे इंडिया के लिए रहे हैं, जिस तरीके का रहा है, उनका नाम है वो ही इज अ नेशनल हीरो और इसीलिए इतनी बड़ी फिल्म बनी, सो इट डजंट मैटर. तो आप अपने दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, क्यों देखने जाएं ये फिल्म को? क्योंकि बहुत सारे दर्शकों को शायद पता नहीं है कि वीर सावरकर जी की कहानी क्या रही है, और शायद हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारी हिस्ट्री को जाना जाए. लोगों को बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे बच्चों को हम बताएं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भूल रहे हैं ये सारी चीजें. ये हमारे इंडिया की बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ यू नो एक देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रही है. तो मुझे लगता है सारे लोगों को इसीलिए देखना चाहिए जिससे कि वो अपने बच्चों को ये हिस्ट्री दिखा सकें. सो प्लीज गो एंड वॉच द फिल्म, एंड आई एम वेरी श्योर कि आप जब थिएटर से निकलेंगे तो आप बहुत सारी चीजें अपने साथ लेकर निकलेंगे. बहुत बहुत शुभकामनाएं हमसे बात करने के. थैंक यू सो मच. श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत.